अभी कल ही की बात है, कल मेरी शॉप पे सारा पानी भर गया था। आम आदमी पार्टी ही कह लेंगे क्योंकि जो थोड़ी बहुत सहूलत दी है, वरना यहाँ मजदूरी करते हैं मगर आम आदमी पार्टी का काम सही है। सोर्स ऑफ इनकम मैम अगर बढ़ भी रही है तो कितनी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई उससे ज्यादा बढ़ रही है। वोटिंग बैंक तो फर्क पड़ेगा, जैसे आप पानी की किल्लत रही है। जी 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 बिल्कुल पड़ेगा। देखिए जी, सुविधा तो थोड़ी बहुत ही मिल रही है, बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि 10 out of 10 है। बाकी विकास हुआ दिल्ली का? कुछ भी नहीं हुआ, जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमारे को मिली रहेंगी। ये हमारे यहाँ के तो क्षेत्र जो है इमरान हुसैन जी, वो बढ़िया काम करते हैं, बाकी हमें और उसे कोई मतलब नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं लाल कुआं मार्केट में मौजूद हूँ, दिल्ली में मौजूद हूँ, और आपको बता दूं कि यहाँ से इमरान हुसैन विधायक हैं, सीधा यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कैसा काम किया, कितना सड़कों के लिए विकास हुआ, कितना साफ सफाई में काम हुआ और कितना लोगों को फ्री सुविधा जो कि आम आदमी पार्टी लगातार 10 सालों से दे रही है। सीधा यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अंदर आप ये कि नहीं हो? अच्छा, हाँ बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी से विधायक है तो सड़कों का और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है? हाँ, ध्यान रखा जाता है। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी 10 साल से दिल्ली में बरकरार है, क्या लग रहा है, कितना काम किया, कितना विकास हुआ दिल्ली का? नहीं, हमारे यहाँ के तो क्षेत्र जो है इमरान हुसैन जी, वो बढ़िया काम करते हैं, बाकी हमें और उसे कोई मतलब नहीं। दिल्ली में कितना विकास हुआ आम आदमी पार्टी? देखो, दिल्ली में जो विकास हुआ वो हमें मतलब नहीं, हमें तो अपने एरिया का मतलब पता है। कुछ भी समस्या होती है सुनते हैं? हाँ, इमरान फट से सुनते हैं, फट से सुनते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी आई है, बदलाव होगा इस बार? अब ये तो देखो, जो वोट डालेगा वो तो उसको पता होगा ना। आपको क्या लगता है बेहतर कौन है दिल्ली? तो हमारे लिए तो जो काम करता है हमारे लिए तो वही बेहतर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद है, वो तो देखो जो जो होगा। रिहा हो पाएंगे विधानसभा चुनाव से पहले? भाई हो सकते हैं, रिहा हो सकते हैं। काम तो उनका बहुत अच्छा है और सबकी सुनते भी हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। जैसे कौन नहीं सुनता? अब कौन, तो आप भी जानते कौन नहीं सुनता। अच्छा, यहाँ से इमरान हुसैन विधायक है आम आदमी पार्टी से, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो तो, ये समझ लो हर गली हर मोहल्ले का बहुत ही ख्याल रखते हैं। अभी रात को देख लो सड़क बना के गए हैं। अच्छा, और बड़ी अच्छी तरीके, यानी खुद भी चक्कर लगाते रहते, देखते रहते हैं। वो मैंने सुना कि वो खुद जायजा लेते हैं, खुद जायजा लेते हैं, ये उनकी खासियत है। बाकी आम आदमी पार्टी ने कितना विकास किया दिल्ली में, चमक रही है दिल्ली ने विकास किया कुछ 10 साल से? दिल्ली तो देखो चमक ही रही, और बाकी दिल्ली हमने घूमी तो है नहीं, चमक क्या देखे। दिल्ली नहीं घूमी आपने? अभी दिल्ली नहीं घूमी। लगता है कुछ विकास हुआ आम आदमी पार्टी के दिल्ली का? सुनते हैं के विकास हुआ है, लगता तो जब देखा हो तो बताए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, क्या लगता है? अब उनके बारे में क्या बताएं, इनकी आपस की लड़ाई है। आपको क्या लगता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो है ना? दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनका ठीक है, उनका जो एक स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से उनको नहीं रखना चाहिए। बाकी पार्टियों में एक दूसरे की लगी रहती है। और बाकी बात करें बिजली का बिल, अभी कैसा है? नहीं, बिजली का बिल तो वो जीरो आ रहा है। जी मैं तो बाहर के हूँ। बाहर के कहाँ से? बिहार। बिहार से? पटना। नीतीश के काम कैसे? जी नीतीश कुमार बढ़िया काम किया, बढ़िया काम कर जी। क्या लग रहा है इस बार उन पर पूरी NDA सरकार टिकी हुई है जी, ये बताइए क्या लग रहा है, टूट जाएगी या काफी समय तक चलेगी? टूटेंगे नहीं, वो टूटेंगे नहीं। कितना विकास किया ऊपर बिहार? बहुत कुछ कर दिया उन्होंने, जी जो बेसिक चीजें वो तो हमारे को मिली रही है। और आपके यहाँ से विधायक इमरान हुसैन जी, कैसा काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? काम तो ठीक ठाक कर ही रहे हैं, बस ये थोड़ा गंदगी का इसका उसका थोड़ा हो जाता है बारिशों के टाइम, जैसे मानसून वगैरह आया हुआ है, कूड़ा उड़ा उठना गलियों में, जरा सा साफ सफाई कभी कभार सो सो ही रहती है। अच्छा, ये समस्या है थोड़ी बहुत समस्या। अच्छा ये बताइए, बाकी 10 साल से आम आदमी पार्टी राज कर रही है, कितनी सुविधाएं मिली आपको और कितना दिल्ली चमक रही है और मॉडल बनी दिल्ली? देखिए जी, सुविधा तो थोड़ी बहुत ही मिल रही है, बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि 10 out of 10 है, बट ये है कि बेसिक चीज़ें जो हैं, थोड़ा सा पानी MCD का नहीं आ रहा तो बोरिंग का पानी है जो प्रोवाइड हो रहा है जैसे भी, और क्या कहते हैं बिजली का बिल है उससे ज़रा आदमी को राहत है, बाकी महंगाई वहंगाई है तो केंद्र के अंडर है,
दिल्ली सरकार का तो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केजरीवाल जेल में क्या लगता है, आएंगे विधानसभा चुनाव से पहले रिहा होकर या रहेंगे? ये तो केंद्रीय सरकार बता पाएगी जी, जो जो हम अपना जितना समझ पाते हैं या जितना उनके लिए करा गया है जिस तरीके से, तो लगता तो यही है कि कुछ सियासी ही मामला है ये। बाकी सिसोदिया भी एक टाइम से बंद हैं और अब केजरीवाल, अब क्या होता है वो मामला जब उठा था और अब बैठा हुआ ये। अब ईडी से जमानत मिल गई है, सीबीआई से जमानत मिल पाएगी नहीं? अभी एक केस में फंसे हुए। ईडी से जमानत अगर मिल गई है तो सीबीआई का वो मसला तो केंद्र का ही है ना मैम। अब जो भी होगा ये तो पता ही लग पाएगा। क्या अपना अनुमान की बात करें तो भाजपा दो बार बहुमत से यहाँ पर शासन कर चुकी है और अब गठबंधन से, तो कैसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि महंगाई जो बेसिक चीजें हैं आम आदमी के लिए, वो बेसिक चीजों पे वो सरकार नहीं उतर पा रही। कह रहे हैं कि लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, आय भी बढ़ रही है, तभी महंगाई हो रही है। सोर्स ऑफ इनकम मैम अगर बढ़ भी रही है तो कितनी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई उससे ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई ज्यादा है, इनकम इतनी नहीं बढ़ रही है। अब सिलेंडर कहाँ 1100 रुपए तक पहुंच गया था, अब आप 800 रुपए पे ले आए सिलेंडर को, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के टाइम से अगर कंपेयर करो तो आप 500 से 800, फिर भी 300 रुपए का डिफरेंस है। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, तीनों में बेहतर कौन है दिल्ली के लिए, जो दिल्ली को संभाल सकती है और सारी समस्या को दूर कर दे? आम आदमी पार्टी ही कह लेंगे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत सहूलत दी है, वरना तो आदमी रह रहा है तो उसको पे तो करना ही है, बिजली का बिल हो या और जो भी चीज़ें हो, लेकिन थोड़ा बहुत दिया तो थोड़ा आदमी को रिलीफ है। बाकी कांग्रेस का राज अच्छा था, हम अपने बड़ों से सुनते हैं। बाकी भाजपा ने जो ये अब दिखाया है पिछले 10 सालों में, वो सही नहीं है। आपको कैसा लगता है भैया? जी ऐसा ही है, ऐसा ही था। बाकी विकास हुआ दिल्ली का? कुछ भी नहीं हुआ, आप बताएं। और आपके क्षेत्र का कोई विकास नहीं? इमरान हुसैन अच्छा काम नहीं कर, इमरान हुसैन करता है जैसे भाई ने बताया ना, वो उतना ही है, ज्यादा कोई ऐसा वो नहीं है। अभी कल ही की बात है, कल मेरी शॉप पे सारा पानी भर गया था, यहाँ पे कोई नाली नहीं है, कुछ नहीं है। आगे जाकर जो गटर है वो भी फुल बंद है, पैक हुआ है, सारा मामला खराब हो गया था, सारा माल मेरा खराब। मैंने आगे बात करी कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सड़क बनी है जिसका जायजा खुद इमरान हुसैन। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कितना दिल्ली वालों को खुश किया? काम तो करा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करा, काम करा है। जैसे हमारी गलियों में ही और उसमें बोरिंग करवाई है, अगर इस टाइम में बोरिंग नहीं होती तो बहुत परेशानी हो जाती। अच्छा, पानी की किल्लत इस बार दिल्ली में रही है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी के वोटिंग बैंक? क्या चीज? वोटिंग बैंक तो फर्क पड़ेगा जैसे आप पानी की किल्लत रही? जी 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 बिल्कुल पड़ेगा। और यहाँ मजदूरी करते हैं मगर आम आदमी पार्टी का काम सही है। सही है, क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल जेल में, जेल से रिहा हो पाएंगे? हाँ हो जाएंगे, मतलब कुछ सुविधा मिल रही है आपको यहाँ पर फ्री में? बहुत कुछ ऐसे मिलता है, हम तो बहुत मिलता है। चलिए देखिए, यहाँ पर लाल कुआ मार्केट में मौजूद थे इमरान हुसैन, यहाँ से विधायक हैं और यहाँ पर खुद सड़क बनी है, कुछ लोग उनके काम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ी बहुत कमी है। पर देखना यही होगा कि आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी फिर से विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज होती है तो वो और कितना काम करेगी, दिल्ली को और कितना बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। आपके साथ हितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।